गाइस, ये कल्पना करना भी कठिन है कि कैसे एक पूरा का पूरा शहर खो सकता है, कैसे एक समृद्ध सभ्यता रहस्यमय ढंग से गायब या लुप्त हो सकती है। लेकिन वास्तव में ऐसे कई कारण होते हैं जिससे एक शहर लुप्त हो जाता है, उस शहर को छोड़ना पड़ता है। गाइस, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताएंगे जो कि आज लुप्त हो चुके हैं, तो चलिए जानते हैं। गाइस, दुनिया के प्राचीन लुप्त शहरों में से एक शानदार योजनाभ्रष्ट शहर मोहनजोदाड़ो 1922 में अपनी खोज से पहले लंबे समय तक खो गया था। खुदाई से पता चला कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक है। 2600 ईसा पूर्व बना ये शहर सिंध पाकिस्तान में है। ये अपनी जटिल योजनाभ्रष्ट व्यवस्था, अविश्वसनीय संगठित संरचना और जटिल जल और सफाई व्यवस्था के कारण दुनिया के सबसे विकसित शहरी व्यवस्था वाला शहर हुआ करता था। अद्भुत शहर के निर्माण के लिए आग से पकी ईंटों का उपयोग किया गया था। इन सभी इमारतों और खंडरों में महान स्नानघर की संरचना सबसे प्रसिद्ध है। गाइस, जुलाई 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हरिराम बिंगम पेरू में प्राचीन ईका वस्तुओं का दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने लुप्त शहर माचू पिचू की खोज करी। इसे ओल्ड पीक कहा जाता है। बिंगम और उनकी टीम पहाड़ की चोटी पर मानव निर्मित और सदियों से भूले हुए पत्थर के शहर की खोज करके चकित रह गए। माना जाता है कि शहर को 1450 ईसा के आसपास बनाया गया था। इनमें 200 इमारतों में लगभग 750 लोगों की आबादी थी। सूखे पत्थरों से निर्मित इन इमारतों में इति बतन एक तरह की संडाल, सूर्य का अर्धगोलाकार मंदिर शामिल है। 1532 से 1572 के बीच शहर को छोड़ दिया गया और साथ ही दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक रहस्यमय तरीके से लुप्त हो गया। 1983 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। गाइस, जॉर्डन की लाल, गुलाबी और सफेद बलुआ पत्थर की पहाड़ी पर उकेरी गई ऐतिहासिक पेट्रा निसंदेह दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक खोई हुई सभ्यता स्थलों में से एक है। इसे 1812 एडी में खोजा गया था। जॉर्डन शहर एक संपन्न व्यापारी केंद्र था जिसे नाटेन साम्राज्य दोबारा निर्मित किया गया था। ये खूबसूरत रॉक कट वास्तुकला, अद्भुत जल प्रबंध प्रणाली, मंदिरों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी इमारतों में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के रंग के कारण पेट्रा को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। 1985 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया। 2000 के दशक की शुरुआत में इस साइट को न्यू 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक का नाम दिया गया था। हालांकि ये साइट व्यापक रूप से इंडियन जोन फिल्मों के फिल्मांकन स्थल से जुड़ी हुई है। गाइस, मेसा बर्दे नेशनल पार्क साउथ वेस्ट कोलोराडो में है। ये लुप्त शहर 1988 में खोजा गया था। मेसा बर्दे अमेरिका में सबसे अच्छी तरह से संरचित प्यूबोलियन क्लिप डेबलिंग के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से विशाल क्लिप पैलेस जो उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े क्लिप निवास माना जाता है। ये यूनेस्को लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका की विविध संस्कृति, विरासत के स्थान और कहानियों की एक झलक मिलती है। हालांकि इसके लुप्त होने के कारण अभी भी कई अनसुलझे प्रश्न छोड़े हुए हैं। गाइस, टोराकोटा आर्मी का निर्माण चीन के प्रथम सम्राट की कब्र के साथ एक आफ्टर लाइफ गार्ड के रूप में किया गया था। हजारों ब्रस्ते जीवन आकार के टोराकोटा सैनिक मॉडल है जो चीन के सबसे पहले सम्राट किंग सी हुआंग के रक्षक सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 29 मार्च 1974 को एक किसान कुआं खोदने के लिए निकला था, लेकिन कुछ घंटे के बाद उसने अनजाने में टोराकोटा योद्धाओं की खोज करी। 18,000 से अधिक ब्रस्ते जीवन आकार सैनिक खुदाई में निकल गए। 210 BC में किंग सी हुआंग ने अपनी मृत्यु के समय इच्छा रखी और उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सैनिक की मूर्तियों के साथ दफनाया जाना चाहिए मेरी रक्षा के लिए। सीरेन का टोराकोटा आर्मी म्यूजियम एक बार आपको अवश्य देखना चाहिए। गाइस, टिकल नॉर्थन ग्वाटेमाल में प्राचीन माया सभ्यता का अनौपचारिक केंद्र है। पहली शताब्दी एडी में टिकल 200 और 1850 एडी के बीच फली फूली और बाद में छोड़ दिया गया। इसके विशाल मंदिरों और महलों के खंडरों में अनौपचारिक खोया विश्व प्रसिद्ध मंडो परदीदो पिरामिड और भव्य जैगुआर का मंदिर शामिल है। टिकल खंडर टिकल नेशनल पार्क का केंद्रीय आकर्षण है जिसे 1950 में स्थापित किया गया था और 1979 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में नामांकन किया गया था।
गाइस 600 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच प्राचीन भारत के गांधार राज्य में पनपा, लेकिन प्राचीन भारत का ये भाग अब पाकिस्तान के रावलपिंड शहर में है। तक्षशिला का उल्लेख भारतीय और ग्रीक रोमन साहित्यिक स्रोतों और दो चीनी बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार तक्षशिला की स्थापना राजा भारत ने ही की थी, जो भगवान श्री राम के भाई थे। कहा जाता है कि इस शहर का नाम भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर रखा गया है, जो तक्षशिला के पहले शासक थे। ये गिरावट के बाद लगभग 1000 वर्षों के लिए लुप्त हो गया था। 1800 के दशक के अंत में ब्रिटिश राज के एलेक्जेंडर किंगम ने इस लुप्त शहर को प्रकाशित में लाए थे। गाइस विजयनगर साम्राज्य अपनी दक्षता, अंतरराष्ट्रीय संबंध और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। उनके द्वारा निर्मित मंदिर और जटिल नकाशी अविश्वसनीय है। विशाल पत्थर के बैगन्स, 8 फुट ऊंचे पत्थर के घोड़े और 11 गुबंददार हाथी अस्तबल की पंक्ति, ये एक समृद्ध समुदाय था। 1565 के दौरान एक युद्ध ने इस शहर को बर्बाद कर दिया और इसे छोड़ दिया गया। 1799 में स्कॉटिश सेना के अधिकारी दक्षिण भारत के डेक्कन प्लेट्यू क्षेत्र में थे, वो प्राचीन खंडरों में पहुंचे। उन्होंने विजयनगर के खोए शहर के बारे में अफवाहें सुनी, लेकिन वो इस बारे से अनिश्चित थे कि उन्होंने क्या खोजा था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो एक महान साम्राज्य के अवशेष को देख रहे हैं जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे। हम्पी की ये शानदार रिस्टोर स्मारक 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है, जो मध्य कर्नाटक साम्राज्य के विजयनगर में स्थित है। अब इस लुप्त शहर को देखने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गाइस स्टोनेज और ग्रेट पिरामिड से भी पुराना स्कैबरा ब्रे को शॉर्टेस्ट पोम्पेई के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। ये स्कॉटलैंड के ओकने द्वीप में सबसे बड़े द्वीप पर एक पत्थर से निर्मित नवपाषाण बस्ती है, जिसे 1850 से 1920 के दशक के दौरान खोजा गया था। 1850 की सदी में स्कॉटलैंड में एक बड़ा तूफान आया, जिससे लगभग 200 लोगों की मौत हो गई। अगले दिन ओकने द्वीप में ग्रामीणों ने पाया कि तूफान ने एक चट्टान के कुछ हिस्से को तोड़ दिया, जिससे पत्थर की छत वाले घरों में छिपी हुई बस्ती को उजागर किया। स्थानीय लॉरेट विलियम बॉट ने 4 घरों की खुदाई की तो पाया कि वो बहुत ही नाजुक है और इस स्थल को संरक्षण की आवश्यकता है। स्कैबरा ब्रे 1999 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। गाइस 1831 में ब्रिटिश सेना के मेजर जोनाथन फोर्ब्स मध्य श्रीलंका के घने और हरे भरे जंगल में हैक करते हुए पहाड़ के शिखर जा पहुंचे, जहां उन्होंने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। ये सिगिरिया की झाड़ी से ढका शिखर था। फोर्ब्स एक पौराणिक लुप्त शहर को फिर से खोजा था, जिसे 14वीं शताब्दी के बाद छोड़ दिया गया था। सिगिरिया का अर्थ है शेर, और ये शहर एक विशाल शेर के प्रवेश द्वार से घिरा हुआ है। दुख की बात यह है कि इसका सिर गायब है। सिगिरिया का निर्माण जंगल के ऊपर 650 फीट पर एक पहाड़ी की चोटी पर किया गया था। शुरुआत में 3री शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध मठ के रूप में, फिर 800 साल बाद राजा कश्यप ने वहां एक भव्य महल का निर्माण किया। चट्टान के शीर्ष पर पहुंचने के लिए 1200 सीढ़ियों पर चढ़ने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, पर इस चढ़ाई के बाद अद्भुत उद्यान से घिरा स्काई पैलेस, पूल और रंगीन चित्रों का दृश्य सारी थकान उतार देता है। यूनेस्को ने 1982 में सिगिरिया को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी। गाइस डेरी क्यू अंडरग्राउंड सिटी को 1963 में तुर्की के एक व्यक्ति ने खोजा था। उसे अपने घर की बेसमेंट की दीवार के पीछे एक छिपी हुई जगह मिली थी, जिसे खोदने के बाद एक प्राचीन भूमिगत लुप्त शहर का पता चला, जो प्राचीन 18 मंजिल भूमिगत शहर था। एक समय में 20,000 लोगों के लिए 18 मंजिल भूमिगत आवास दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत शहरों में से एक है। तुर्की के कॉपीडोसिया क्षेत्र में स्थित 200 से अधिक भूमिगत शहरों में से एक है, जिसे ज्वालामुखी की चट्टान में तराशा गया था। ये हजारों वेंटिलेशन सॉफ्ट और पानी के तरीके से सुसज्जित है, जो साइट के प्रत्येक स्तर पर ताजी हवा और पानी प्रदान करते हैं। अस्तबल, चर्च, आवास, भंडारण के लिए कमरे थे। शहर को बड़े पैमाने पर पत्थर के पहियों के बिना दरवाजे द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसके एक प्रवेश द्वार को लुढ़काया जा सकता था और इसके एक और दीवार बनाई जा सकती थी। अभी तक तुर्की शहर के चारों ओर के आंगनों, निजी आवासों में ये भूमिगत शहर को 600 से अधिक प्रवेश द्वार पाए गए हैं। गाइस आपको इन लुप्त शहरों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।